ये ओल्ड वर्ल्ड में ये इसको आरती गाई जाती है मैडम, इसको कौड़िया मठ में। और यहाँ किसी का जो वर्ल्ड का जो है चलाने वाला जो हीरो है वो यहाँ जीरो में बैठता है। कहाँ बैठता है? जीरो में। इसीलिए तो वो भगवान है। हाई क्लास की फर्क का डिफरेंस क्या है? सुंदर लगता है। इसका मन शुद्ध नहीं है ना, उसको महसूस हो रहा है यहाँ तो कुछ भी। प्राण कहाँ है इस बॉडी में? नाभि में। क्या बोलते हैं आप लोग? नाभि वही नेवल नाइटो नाइटो बोलते हैं। ये का स्टार्टिंग 94 है, चार धाम का भी। ये मतलब देख रहे तो मदा यशोदा। यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ छोटी भाषा में कहानी सारी। कुतंतवन मैया यशोदा यहाँ भगवान कृष्ण को डंडे से मार रही हैं और भगवान उस डंडे की माता के गुस्से के आनंद ले रहे हैं, जबकि भगवान के लिए कोई वो है लेकिन वो माता का जो स्नेह लव है प्रेम है ना उसका आनंद ले रहे हैं। तो मदर यशोदा माता यशोदा यहाँ पे ये उनका महल है, ये बगल में उनका महल है ना। तो वहाँ से पैदल चल गए, घर आंगन है माता यशोदा का। तो जब भगवान ने ये मटकी तोड़ी थी तो माता यशोदा उनको डंडा लेके पीछे भाग रही हैं। भागते 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 उन्होंने गुस्से में आते उनको इस ओखली से, वो ओखली दिख रही है इनके पीठ से बंधी है, वो पत्थर की ओखली में जो मिर्ची मसाला कूटती थी उससे बांध दिया। जब रस्सी दो उंगली छोटी पड़ती थी ना बनते बनते, तुमने कथा सुनी है ना, देखी है ना। तो जब छोटी पड़ती थी तो जब भगवान को बांध दिया उससे जो बाद में, तो वही ओखल है ये वाला, ये देख 5000 साल पुराना ये वाला जो अंदर घुसा हुआ है, समझिए आधा से ज्यादा अंदर घुसा है, ये बाहर निकला है। और वो क्या है भाई? ये ब्रज का केंद्र है, ये सेंटर ब्रज है। ये ब्रज की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो एक विष्णु जी ने एक कृष्ण को यहाँ सूक्ष्म में प्रतिपादित किया। जैसे हमारा ये शरीर ब्रह्मांड ये बनता है तो नाभि में प्राण रहते हैं, तो यहाँ कृष्ण प्राणनाथ भी रहते हैं। कौन रहते हैं? सूक्ष्म में। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे। सब लोग बिग टेम्पल में जानते हैं कि बिग टेम्पल में भगवान बैठे, भीड़ में ढक के खाने मिलने भगवान। ऐसे भगवान को चमत्कार देखे, चमत्कार भगवान नहीं देखेंगे लोग आज के। हाँ, तो भगवान ने जो लीला करी थी इस जगह पे, तभी यहाँ पे दो पेड़ थे यमला अर्जुन, उनको भगवान ने अपने डमरू से उससे ऊपर से तोड़ दिया था। हाँ। तो फिर वो एकदम से मनुष्य बन के उनको बोले भगवान आपने हमारा उद्धार किया। हाँ, उनको श्राप मिला था। श्राप मिला था। देखो ये वाले कुबेर पुत्र, कुबेर पुत्र थे यमला। ये पेड़ गिरने से विश्व में साउंड हुआ आवाज, और ये दो पेड़ों का उद्धार करने से ये पुरुष निकले थे। फिर इन्होंने प्रार्थना की, ये इनको श्राप लगा था, एक ऋषि ने दिया था। ये एकदम ऊपर को जाते हुए सब ये अदृश्य हो गए। ऋषि ने श्राप क्यों दिया था? क्योंकि ये वो खेल रहे थे उसमें मदरा पान करते हुए, और जब वो निकल के जा रहे थे उनको ना प्रणाम किया ना कुछ किया, एकदम ऐसे खड़े वृक्ष की तरह। तो साधु बोले तुम वृक्ष की तरह खड़े, तुमको शर्म नहीं। मेरा मन में मकल मंदिर मेरा दूसरा ये है, देखना पड़ता है।